जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल जो त्राल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया, जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उसको भी अंधाधुंध फायर किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने ये दिखा दिया कि कितना ही बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं। जहाँ तक कल का ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लालपुरा इनकाउंटर के अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद, खुशीपुरा में हमारे आर्मी के 2 जवान शहीद हुए थे और लालपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उस मॉडल को, उसमें जो गाड़ी जो था उसको पहले पकड़ लिए थे, 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था अपराध का नाम आया था, जो नारकोल का है नदीम अपराध पूरा नाम है, दूसरा एक एफटी का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉड्यूल, दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का, खुर्शीद सोपोर इनकाउंटर मारा गया, उससे जो हथियार AK-47 रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। उसके बाद आप लोग एक खुद शेयर देखे होंगे कि टीआरएफ वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद क्लेम किया था कि अबरार एंड कंपनी ने ये एक्शन किया है, आप सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोग पुलिस की टीम हमारे DIG अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, एक स्पेशल टीम बनाए थे, उसको उसके एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहाँ से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलके एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद FIR लॉन्च किए, उसमें FIR में उसको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए, जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में के नदीन अपराध और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए, वहाँ से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी हो, क्योंकि ये मेडुल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदी अपराध, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एंड को टारगेट करना।